नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुड क्रॉप्स में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर की काफी बेहतरीन वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये वैरायटी इंडा अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स की है और इस वैरायटी का नाम है इंडम ग्रीन वुड। किसान भाइयों, ये वैरायटी काफी बेहतरीन वैरायटी है और आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। किसान भाइयों, इसकी खेती करके आप रबी के मौसम में काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसके अनुकूल समय की। तो किसान भाइयों, इसकी हम अगेती बुआई 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में करते हैं और मध्यम पछेती की बात करें तो आप अक्टूबर से नवंबर महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके फसल तैयार होने की, तो किसान भाइयों ये वैरायटी 70 से 80 दिन में तैयार हो जाती, मतलब कि इसकी हार्वेस्टिंग 70 से 80 दिन में शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है? तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसकी खेती करने के लिए हमें काली दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात आती है इसके बीज दर की। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि 20 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई करें तो पौधे से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रखें। और किसान भाइयों, जो हमारा बीज होता है वो 4 सेंटीमीटर की गहराई में जाना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसके कलर की। तो किसान भाइयों, इसकी मटर हरे रंग की और चमकदार होती है। किसान भाइयों, काफी ज्यादा आकर्षक होने के कारण आपको मार्केट में बेचने में काफी आसानी होगी। किसान भाइयों, इसके प्रति फली में 9 से 10 दाने होते हैं जो कि मीडियम साइज की फली होती है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी अगेती फसल लेते हैं तब आप इसकी आराम से 3 से 4 बार तुड़ाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि इसकी खेती हम किन किन राज्यों में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसकी खेती आप भारत के लगभग सभी राज्यों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है इसके उत्पादन की। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल की काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और समय समय पर स्प्रे और उर्वरक की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो किसान भाइयों, आपको 350 से 360 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, इस वैरायटी में बीमारियां बहुत कम आती हैं और सूखने की समस्या भी ज़्यादा नहीं होती है। किसान भाइयों, अब सबसे मेन बात आती है, वो है इसके बीज का प्राइस। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसके 5 किलोग्राम बीज का प्राइस 1200 से 1250 रुपए तक पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको वैरायटी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और किसान भाइयों, आगे भी इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।